वो साल 1950 था जब भारत का संविधान लागू हुआ था और इसमें ये साफ कर दिया गया था कि आज से देश में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज देश को आजाद हुए 70 से ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन हमारा देश जातिवाद के दंश से आज भी आजाद नहीं हुआ है। इसके उदाहरण हमें लगभग हर दिन देखने को मिल जाते हैं। इस जाति भेदभाव का जीता जागता उदाहरण अब हैदराबाद में देखने को मिला है। चलिए हम आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल हैदराबाद में एक ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही खेलने की इजाजत थी। हैदराबाद में खेले गए इस ब्राह्मण क्रिकेट टूर्नामेंट पर साफ तौर पर कहा गया था कि इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी खेलने आएगा उसे आईडी प्रूफ लाना होगा। ब्राह्मण क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी दूसरी जाति का व्यक्ति इस टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता। आपको बता दें कि हैदराबाद के नागोल में स्थित BSR क्रिकेट ग्राउंड में 25-26 दिसंबर को इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अब इस ब्राह्मण क्रिकेट टूर्नामेंट का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब पोस्टर की जानकारी ली गई तो पता चला कि ये टूर्नामेंट तय तारीख को आयोजित किया गया है। जब हमने दिए गए नंबर पर बात की तो पता चला कि इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन हो चुका है और ये टूर्नामेंट स्थानीय नियमों का पालन करते हुए किया गया था। हो सकता है कि आप ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में पहली बार सुन रहे हों, लेकिन ये पहला ऐसा टूर्नामेंट नहीं है। आपको बता दें कि हैदराबाद जैसा जातिवाद क्रिकेट टूर्नामेंट साल 2017 में जलंधर में भी खेला गया था। इस टूर्नामेंट की टैगलाइन ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों के द्वारा थी।